ब्रिटिशर्स के लिए। अमेरिकन्स क्या बोलते हैं इंग्लिश, तो फिर अमेरिकन्स की इंग्लिश कौन सी थी? असल में ब्रिटिशर्स की इंग्लिश है, जैसे हमारे ऊपर हुकूमत करके गए हैं ना अंग्रेज, ऐसी अमेरिका पर भी उनकी हुकूमत थी। फिर आपको पता है मतलब 4 जुलाई 1779 में जब वहाँ पर टी टैक्स के ऊपर झगड़ा हो गया तो वो चले गए। अब उनके जाने के बाद वहाँ सारे सेटलर्स थे, सेटलर्स मतलब कोई स्पेन के थे, कोई पुर्तगाल के, सारे पूरी दुनिया से लोग वहाँ थे। तो उन्हें जो समझ आई, एक लैंग्वेज वो सब जानते थे और वो लैंग्वेज थी उनके आका की लैंग्वेज, लॉर्ड की लैंग्वेज। यानी एक बंदे को स्पेनिश भी आती है, इंग्लिश भी आती है, उसको जर्मन भी आती है, इंग्लिश भी आती है, तो उन्होंने इंग्लिश को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। उनको क्या पता था कि वो कभी जिंदगी में रूल करेंगे या ऐसा हो जाएगा, लेकिन 100, 125, 150 साल के बाद वो सुपर पावर की दौड़ में लग गए। अब जब सुपर पावर बन गए तो उन्हें लगा कि यार ये अजीब सी बात है कि कौन सबसे बड़ी, हम, लेकिन लैंग्वेज हम अभी भी उनकी बोलते हैं। तो फिर कह लीजिए लैंग्वेज के अंदर नए कंसेप्ट आ गए कि इसका मतलब चूंकि कम्युनिकेट करना है, लैंग्वेज जिंदा होती, यू बोल लो, ऐसे कह लो, ये कह लो। उनके अंदर अब बेसिकली एक्सेंट था ब्रिटिशर्स के अंदर। अगर आप बीबीसी सुनिए ना तो उसके ऊपर हमेशा ये कहते हैं कि दिस इज बीबीसी इंटरनेशनल, वी आर एड्रेसिंग टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। आप सीएनएन सुनेंगे वो अमेरिकन का, उन्होंने इस एक्सेंट को, इस झटके को खत्म किया और उन्होंने इसको कैसे शुरू कर दिया, वो उन्होंने बिल्कुल स्टाइल को ही चेंज कर दिया। फिर वो कह लीजिए ऑल साउंड, वोकैबुलरी पे, रूल्स पे, बहुत सारी चीजों के ऊपर जो है ना उन्होंने लैंग्वेज की हैजियत चीजों को बदल दिया। इसलिए वो कहते हैं कि जो हम बोलते हैं वैसा ही लिख लो, जो करते हो वैसा ही लिख लो। उनका जो है जो जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज अमेरिकन की मानी जाती है वो है शिकागो मैनुअल, यानी जो रूल्स चीजें उनकी है ना, जो उसके मुताबिक वो कहते हैं ये स्टैंडर्ड इंग्लिश है। ब्रिटिशर्स जो है इनका कह लीजिए कि कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, ये स्टैंडर्ड माना जाता है, जो इसके मुताबिक ग्रामर लिखेंगे करेंगे वो ये होंगे, वरना तो हर बंदा उठ के अपनी ग्रामर लिख के दे देते कि यूं नहीं होना चाहिए। समझ आ रही बात? तो आप चूंकि लैंग्वेज तो ब्रिटिशर्स की है, हमने उर्दू सीखनी हो तो हम लखनऊ के जो नवाब थे उनकी उर्दू सीखेंगे, हम अफगानिस्तान जाकर उर्दू तो नहीं सीखेंगे ना। जिनकी लैंग्वेज है वो दुनिया में जहां भी होंगे हम वहां जाकर उनसे ये चीजें सीखेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, और क्वेश्चन? ये थोड़ा बैकग्राउंड बताया, आइडिया समझ में आ गया। अब दुनिया में इंग्लिश और भी उसके कई फॉर्म्स आ गई हैं, अब अमेरिकन इंग्लिश भी है, कनेडियन इंग्लिश भी है, ऑस्ट्रेलियन भी है। समझ आ रही है? तो हर जगह पर उसके नए नए कंसेप्ट बन गए। ऑस्ट्रेलिया आपके कोई दोस्त वगैरह गए होंगे तो देखिए उन्होंने आईसी ऑस्ट्रेलिया वालों ने अपना शुरू कर दिया होगा। क्लियर? नेक्स्ट, जी यूज नंबर 9 पढ़िए। जनरल का मतलब है ये किसी एक ड्राइवर के लाइसेंस की बात हुई है? नहीं। ठीक है, क्या ये किसी एक बंदे का ड्राइवर है? नहीं, ना ये एक बंदे का है, ना ये एक लाइसेंस है। इन जनरल, जैसे आपसे मैंने कहा था के मतलब हम जब ये यूज करते हैं कि डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो इसका एक्चुअल मतलब क्या है? इसका एक्चुअल मतलब ऑल डॉग्स आर फेथफुल, एनी डॉग इज फेथफुल, कोई सा भी एनिमल, कुछ भी। तो एक वन भी हो सकता है और एक जनरल चीज को, जनरल को करता है, इसीलिए डेफिनेट नहीं होता, इसीलिए हम इसे इनडेफिनेट कहते हैं। तो ए ड्राइवर्स लाइसेंस, यानी एनी ड्राइवर्स लाइसेंस, ऑल ड्राइवर्स लाइसेंस, यानी जो सब ड्राइवर्स के पास होता है। तो किसी भी ड्राइवर का कोई लाइसेंस है आपके पास, कोई ड्राइविंग लाइसेंस? जी सर, ये यूज नंबर 7 में लिखा है कि जो जब हॉस्पिटल आ जाए तो हमें उसके साथ आर्टिकल एएन लगा देना, और 24 में लिखा है कि इसके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं। हॉस्पिटल्स के बेटा नाम आ जाए, चीजें आ जाए, फिर तो नहीं ना लगाएंगे आप। मान लीजिए यहाँ पे हॉस्पिटल कौन सा नाउन है, सिंगुलर है, प्लूरल है? ठीक हो गया। अब याद, ये पॉइंट जरा तवज्जो से समझना, ये जो इन्होंने कहा है, पॉइंट आउट किया, इसको जरा समझिएगा। स्कूल सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है? स्कूल हो गया, चर्च हो गया, जेल हो गया, प्रिजन हो गया, इसी तरह से कह लीजिए ये ऑफिस हो गया, ऐसे चर्च हो गया, मॉस्क हो गया, ये वाली जो जगह है ना, इन जगह को समझिएगा। इन जगहों के ऊपर अगर आप जिस काम के लिए ये बनी है उसी पर्पस के लिए जाएं तो इनके साथ ना ए आएगा, ना एन आएगा, ना दा आएगा। सिंगुलर काउंट नाउन, मैंने आपको बताया था, डिटर्मिनर के बगैर नहीं होता, कुछ भी कर लीजिए डिटर्मिनर के बगैर नहीं होता। अच्छा, अब कोई भी डिटर्मिनर, कोई ना कोई डिटर्मिनर होना चाहिए।
अच्छा अब अगर मैं कहता हूं ही वेंट टू स्कूल, तो गौर कीजिए स्कूल क्या है, काउंट राउंड स्कूल्स होती है इसकी प्लूरल, लेकिन ना मैंने ए लिखा ना एन लिखा ना दा लिखा। इसकी वजह यहां स्कूल अपने प्राइमरी पर्पस में यूज हुआ है। मान लीजिए एक प्लंबर के बारे में मैं कहूं द प्लंबर वेंट टू स्कूल, तो क्या गलती कर रहा हूं, प्लंबर जिस स्कूल में गया यानी जो भी कोई स्कूल है असल में वो स्कूल पढ़ने प्राइमरी पर्पस के लिए नहीं गया, किस लिए गया है सेकेंडरी, यानी सेकेंडरी है वो वहां पर नलके ठीक करने गया या काम से गया है। जब आप प्राइमरी पर्पस से बाहर निकल देंगे सेकेंडरी पर्पस होगा तो इनके साथ फिर दा लगेगा, फिर जरूर इनके साथ आप ये लगाएंगे। मसलन अब जरा एग्जांपल देता हूं इससे आपको समझ आ जाती है। मसलन लिखिए द प्रिजनर वॉज, सॉरी यू लिखिए द कल्प्रिट वॉज वॉज सेंट टू सेंट टू द प्रिजन या प्रिजन के नीचे लिख लीजिए सेंट टू द जेल। अब आप मुझे बताइए सही है कि गलत है, क्या गलती इसके अंदर, ये प्राइमरी पर्पज है भाई प्रिजन या जिस तरह की बिल्डिंग्स होती हैं जहां कोई कलेक्टिव सारा हो उनके लिए हमने इसको नहीं यूज करना, ये गलत है। यही जुमला यूं बन जाए द मिनिस्टर विजिटेड द प्रिजन, आप सही हो गए, ध्यान से देखिए द मिनिस्टर विजिटेड द प्रिजन आएगा या खाली प्रिजन आएगा, क्यों दा क्यों आएगा, हाँ अब ये प्राइमरी पर्पस नहीं, उसको जेल में थोड़ा डाल रहे हो भाई वैसे ही गया है। जैसे अभी मैंने आपसे कहा था मस्जिद में हम नमाज पढ़ने जाते हैं, तो मस्जिद में आप जा रहे हैं ही वेंट टू मॉस्क, लेकिन अगर नमाज पढ़ने नहीं गया फिर क्या होगा, ही वेंट टू द मॉस्क, He went to the mosque. यार ज्यादा लेट होनी शुरू होगी जी, He went to mosque. जी बेटा और नमाज के लिए ज्यादा तो he went to mosque. बेटा इस बिल्डिंग में फिर तो कुछ नहीं लगाओगे ना, ए ना एन ना दा, अगर वो पर्पस चेंज है आप वैसे मौलवी साहब को जो है ना वो कह लीजिए कुछ खाने वाली चीज देने जा रहे हैं तो वो कॉन्टेक्स्ट पता चल जाएगा किसी के। अगर चर्च आप जा रहे हैं, अब चर्च और दा चर्च में क्या फर्क है, अब हॉस्पिटल है अगर आप इलाज कराने जा रहे हैं तो कुछ नहीं लगाना, इबादत करने जा रहे हो ठीक है फिर उसके साथ ये लगाने। अब समझ आ रही बात, इन सारी चीजों के लिए ये लॉजिक अपने जहन में रखना है। नेक्स्ट अब मुझे बताइए एक और प्लीज एग्जाम्पल लिख लीजिए, ही पास बाय मार्केट, वो मार्केट के पास से गुजरा, सही है इस सेंटेंस के गलत है, क्या गलती है, क्या होना चाहिए बाय द मार्केट, मार्केट के पास से गुजरा, द क्यों लगाया हमने, क्योंकि वो वहां शॉपिंग करने के लिए नहीं गया ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं ही वेंट टू मार्केट टू बाय थिंग्स तो अब दा लगाऊंगा, नहीं ही वेंट टू मार्केट सही है, ही वेंट टू द मार्केट अब गलत हो गया, ही मेट मी इन मार्केट या इन द मार्केट, इन द मार्केट वो शॉपिंग नहीं कर रहे, मिला मिलने की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट यूज नंबर 14 जी, 14 क्या है, जी ये एक ए भी आ गया मोर भी आ गया कैसे ठीक हो गया, सुनो बेटा दर अगर यहां दाज है फिर आपको समझ आ गई है, लाल फर्ज करें बोलिए बेटा तो दा से तो ये गलत हो जाएगा, दैन लिखा हुआ है, दैन से पहले तो कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले दैन लगाएंगे क्या, दा लगाएंगे क्या, अब देखो ही इज टॉलर देन आई या ही इज द टॉलर देन आई, टॉलर दा नहीं ना आएगा दैन के बगैर, वो फिर दा हमने पढ़ा था, तो ही हैज अ मोर एक्सपेंसिव कार देन आई डू, ऐसे ही है कोई कंफ्यूजन।
अब आप रूल याद रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन किया है, इसने जरा तवज्जो से समझिएगा बेटा, सुनिए ध्यान से लॉजिक। अब आपने ये याद रखना है, कोई भी सिंगुलर काउंट नाउन, कौन सिंगुलर काउंट नाउन डिटर्मिनर के बगैर कभी नहीं लिखना। सिंगुलर काउंट नाउन क्या करना है, डिटर्मिनर के बगैर नहीं लिखना। अब इस सेंटेंस को आप खुद लिखिए, जरा लिखिए, ही हैज मोर एक्सपेंसिव कार देन आई डू। अब मुझे बताइए, यहां कार को अंडरलाइन कीजिए, कार सिंगुलर काउंट नाउन है ना। किसी किस्म का कोई आर्टिकल लगा, यानी कोई डिटर्मिनर लगा इसको डिटर्मिन करने के लिए, नहीं तो आपको बताया था सिंगुलर काउंट नाउन डिटर्मिनर के बगैर नहीं आना। अच्छा आप लिखेंगे ही हैज ए मोर एक्सपेंसिव कार देन आई डू। अच्छा इस जुमले को यूं भी लिख सकते हैं, लिखिए गौर करें, यहां देन के बाद आई डू भी लिख रहे हैं। जब वर्ब का कंपैरिजन होता था, याद है ना, वर्ब का कंपैरिजन हो तो बाद में हम उसका हेल्पिंग वर्ब मेंशन करते हैं, भाई ही स्पीक्स लाउडर देन आई डू, ही स्पीक्स लाउडर देन आई या देन आई डू, देन आई डू। इसी तरह ही हैज लिखा। फर्ज करें अगर मैं कहूं हिज कार इज मोर एक्सपेंसिव, लिखे हिज कार इज मोर एक्सपेंसिव देन माइन, अब तो नहीं ना ये लगाने की जरूरत। अब वो डिटर्मिनर हमने क्यों लगाया था, क्योंकि कार सिंगुलर काउंट नाउन था, कोई ना कोई डिटर्मिनर लगना था। अब वो डिटर्मिनर देखिए, वो कार के साथ हिज लगा हुआ है, हिज कार इज मोर एक्सपेंसिव देन। बेटा बात समझ आ गई, हिलाल नहीं पता चला तो और एग्जांपल दे सकता, क्लियर होगी बात। देखो अब कार का कार से कंपैरिजन हो रहा है, अब मैं यहां देन आई तो नहीं ना कहूंगा, मेरे साथ थोड़ा मेरी गाड़ी से होगा, गाड़ी से होगा तो पहले लिखा हुआ है। ऐसे भी हो सकता है देन माय कार, मैं लिख सकता हूं ऐसे भी, तो माय कार को मैं माइन कार भी कह सकता हूं, ऐसे भी कह सकता हूं देन कार ऑफ माइन। समझ आ रही बात, देन कार ऑफ माइन या देन द कार ऑफ माइन। जब मैं कहता हूं असलम सिस्टर, सिस्टर ऑफ असलम भी तो कह सकता हूं, हिज सिस्टर भी तो कह सकता हूं। जी नेक्स्ट, मुस्लिम्स। अच्छा जी मुस्लिम और दा मुस्लिम्स में क्या फर्क है, मुसलमान अल्लाह पर यकीन रखते हैं, मुस्लिम्स बिलीव इन गॉड, ये होगा या दा मुस्लिम्स बिलीव इन गॉड, ये बताओ पहले, मुस्लिम क्रिश्चियंस या मुस्लिम्स क्या होगा। यार आपने पढ़ा था प्लूरल नाउन हो और पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे, उसके साथ कोई दा लगता है नहीं। अगर मैं कहूं क्रिश्चियंस बिलीव इन ट्रिनिटी, ट्रिनिटी का मतलब यानी अल्लाह को मानते हैं, वो हजरत ईसा अलैहि सलाम को मानते हैं और हजरत मरियम को मानते हैं, और वो कहते हैं ये एक ट्राइका है, यानी हजरत जो तौबा नऊज बिल्ला उनका यह अकीदा है। खैर वो ये कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहि सलाम के जो बाप हैं वो अल्लाह ताला को फादर मानते हैं, तो उनका ये ख्याल है ऐसे कि चूंकि मिरेकल है और ऐसे वगैरह वगैरह, तो इस ट्रिनिटी इसको कहते हैं। अगर आपने जो क्रिश्चियन है तो उसको बेहतर पता होगा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो मैं कहता हूँ क्रिश्चियंस, तो यहाँ इससे मुराद कितने क्रिश्चियंस की बात हुई। अगर मैं कहूँ द क्रिश्चियंस वर चैंटेड स्लोगन ऑन द माल रोड, अब द क्रिश्चियंस वो जिन क्रिश्चियंस की बात हो रही है उनकी। अब जब मुस्लिम्स आप कहते हो तो द मुस्लिम्स बिलीव, मुस्लिम्स बिलीव इन वन गॉड, लेकिन द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया सही होगा गलत होगा, सही होगा क्योंकि अब इंडिया के मुसलमानों की बात हो रही है, क्लियर। ये वही लॉजिक था, वही रूल था, बस आपके ज़हन में पता नहीं क्यों आ गया मुसलमानों के साथ हिंदुओं के साथ लगाएंगे। हिंदूज बिलीव इन आइडल्स, लेकिन द हिंदूज इन इंडिया आर द हिंदूज इन पाकिस्तान इस तरह। नेक्स्ट, कोई और बेटा, चलो नेक्स्ट। जी जी, यूज 11 ही बॉट, अरे ध्यान से देखिए, दो सेंटेंस आपने गड़बड़ यूज किया, ही बॉट अ हाउस विद अ बिग बैकयार्ड। गौर कीजिए, जब मैं कह रहा हूं विद अ बिग बैकयार्ड, इसका मतलब उसने घर खरीदा जिसका अकबी हिस्सा खासा बड़ा था। यार मैं चले मैं यूं कह रहा हूं, उसने यार घर खरीदा है, तो इसको छोड़ो, मैं कहता हूं उसने ना घर खरीदा है, उस घर की छत बहुत बड़ी है,
तो ही बॉट अ हाउस विद अ बिग रूफ। मैं यार उसने वो घर खरीद लिया, वो जिसकी छत नहीं बड़ी थी वो उसने खरीद लिया। ही बॉट द हाउस विद अ बिग रूफ। भाई दा का मतलब हमें पता है किस घर की बात हो रही है, वो गली में कोई घर है, आप कहते हैं यार वो जो दरख्त नहीं लगा हुआ था जहां पर, वो उसने खरीदा है। तो ही बॉट द हाउस विद द ट्री, वो जो ट्री विद द ट्री इन हिज इन इट्स बैकयार्ड। और फिर मैं कहता हूं उसने एक घर खरीदा, उसने घर खरीदा उसके पिछले हिस्से में दरख्त लगा हुआ है। अब समझ आ रही बात, अब यहां पर हमें नहीं पता वो कौन सा घर है, लेकिन उस घर की एक सेफ तय है उसके उसके अंदर ये चीज है। फिर मैं ये लिख देता हूं, पता होता है तो ना लिख देता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, फिर भी है तो पूछ लीजिए। कोई और एग्जाम्पल कहते हैं तो लिखवा देता हूं। यार आप किसी को कहते हैं यार उसने किताब खरीदी है जिसके तीन सफे खराब थे, ही बॉट अ बुक विद थ्री टॉप पेजेस। यार वो जिसके तीन सफे नहीं खराब थे वो बुक उसने खरीद ली, ही बॉट द बुक विद थ्री टॉप पेजेस। नेक्स्ट अब जो सब्जेक्ट्स होते हैं मुझे बताइए, वो सब्जेक्ट्स का नाम होता है ना, तो प्रॉपर नाउन के साथ हम लगाते हैं नहीं? केमिस्ट्री के साथ, फिजिक्स के साथ लगाएंगे क्या? नहीं, वो तो नाम है उनका अपना। तो जहां आए ना थोड़ा थोड़ा अपना लॉजिक खुद भी आप बिल्ड किया करें कि कहीं ये प्रॉपर नाउन तो नहीं, अगर प्रॉपर नाउन है तो फिर इसके साथ नहीं लगना चाहिए। और अगर आपको कहीं लगे कि सर ये प्रॉपर नाउन है और दाल लग रहा है, चले मसलन फर्ज कीजिए मैं आपसे पूछता हूँ गॉड के साथ दाल लगेगा कि नहीं लगेगा, सोच के जवाब दीजिएगा और जब जवाब दें मुझे वजह बताइएगा, लगना है तो क्यों, नहीं लगना तो क्यों नहीं लगना? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन कैसे है? अच्छा जब मैं कहता हूँ असलम ये प्रॉपर नाउन है तो असलम एक ही है, देखो ना डेफिनेशन कुछ बता रही है, एग्जाम्पल कुछ दे रहे हैं, ध्यान से समझो आपकी बात ठीक थी। गॉड प्रॉपर नाउन है, मतलब क्रिश्चियनिटी के अंदर क्रिएटर को गॉड कहते हैं, मुस्लिम्स उसे अल्लाह कहते हैं, हिंदू भगवान कहते हैं, सिख उसे वाहेगुरु कहते हैं, समझ रहे हैं? मुख्तलिफ कह लीजिए मजाहिब में मुख्तलिफ नाम है, अब बात समझ आ गई। तो जो नाम है ना, यानी अगर मैं बी मुस्लिम कहूंगा तो मुझे गॉड नहीं कहना चाहिए अल्लाह कहना चाहिए, और क्रिश्चियंस की वजह से हमारे अंदर गॉड आ गया हुआ है इसलिए हम गॉड कह देते हैं। क्लियर भाई? अल्लाह का नाम, अल्लाह का जाती नाम अल्लाह है, यानी हम क्रिएटर को अल्लाह कहते हैं। क्लियर? क्रिश्चियंस अल्लाह को क्या कहते हैं? गॉड। उनके लिए प्रॉपर नाउन वो है, इसी तरह सब में। क्लियर? और जी 21 The can be combined with certain adjectives to refer to a group of people such as the blind, the rich, the blind. जी बेटा उसमें पढ़ा नहीं था, मुझे बताओ अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, the rich should help the poor, तो the rich से क्या मुराद था? सारे अमीर। The poor का मतलब सारे गरीब, इसकी जमा तो नहीं ना बना सकते, पुअर्स रिचीज टॉल्स ब्रेव्स नहीं ना कर सकते, क्योंकि वो तो नाउन की बनाते हैं, तो अगर इसकी पूरे ग्रुप को शो करना हो तो दाग लगा देते। आप अपनी उलझन बताएं, वो करना है ये करना है। मुझे सर ये आगे कंफ्यूजन दे दीजिए सर, जब ए पाउंड कहते हैं ना तो ए पाउंड से कितने मतलब पाउंड बना रहे हैं बस, लेकिन सर यहाँ पे 1.30 है। हाँ जी, बहुत ज्यादा है। डॉलर हो पाउंड हो कोई भी हो, ए पाउंड का एक्चुअल मतलब क्या है? 1 pound। क्लियर? अब जहां लिख रहे हैं आप कह रहे हैं सर ये 1.30 है, तो ये 3 किधर गया? तो मैं जब कह रहा हूँ 1.30 ये पाउंड ही है, मैं कहता हूँ वहां मुझे पहुंचने में 1.3 आवर्स लगेंगे, तो इसका मतलब 1 hour 30 minutes लगेंगे, या मैं कह दूं हाफ है ना, 1 hour and half, यानी हाफ एंड 1 hour लगेगा। समझ आ रही है? वो सारे वो वही उसी के लिए। और चलो नेक्स्ट, अभी जी 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 याद रखना पड़ेगा, याद रखने वाला तो कुछ नहीं है,
एक्सेप्ट नहीं, एक्सेप्शन नहीं है असल में ना, ये बहुत लंबा चौड़ा काम बन जाता है। मैंने कल आपको देखिए इसमें समझाया भी था कि आप यहाँ पढ़ेंगे हिमालयास के साथ दाल लगाइए, फलां के साथ लगाइए। भाई देखो केटू जाति नाम है ना पहाड़ी का, तो उसके साथ हम लगाते हैं, लेकिन हिमालयास के साथ क्यों? मैंने आपको बताया था वो एक चेन है, स्ट्रेच है, यहां से यहां तक को ये कहते हैं। दरिया मतलब दरियाए सिंध है, जो कहां से शुरू होता है, समझ आ रही है? अच्छा कहां जाके खत्म होता है? सिंध से आगे कहीं नहीं जाता, ठीक हो गया। अच्छा आप मुझे बताइए, जो कह लीजिए इजिप्ट का जो रिवर है नाइल्स, कहां से शुरू होता है और कहां जाता है? दरमियान में जितने हिस्से हैं जहां पर, वहां से उनके नाम अलहदा हो जाते हैं। अच्छा जो रिवर की ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं उनके नाम अलहदा हो जाते हैं। अब जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि एक्चुअली हम दरियाए सिंध, तुर्बत में वो दरियाए सिंध है, सिंध में खत्म हो रहा है, हमने वहां से कह दिया, असल में वो सिंध नहीं है, वो पूरा उसका जो रूट है, जैसे मैंने दरिया सिंध कहा आपको वहां से लेकर वहां तक ये पूरी चीज समझ में आ गई है। तो ये असल में उस दरिया का नाम नहीं है, ये उस रूट का नाम होता है, इसलिए उसके साथ हम कहते हैं द सिंध रिवर, द रावी इसीलिए कहते हैं, कहां से शुरू कहां, ये उनके लिए है, वरना रिवर्स की ना कोई एंडिंग होती है ना कोई शुरुआत होती है, तो घूम ही जाते हैं सारे। तिब्बत में कहां से शुरू हो रहा है? वहां से पानी आ कहां से रहा है, उसमें कहां से आ रहा है? अब नाम बदलने शुरू हो गए ना, फिर कहीं से आ रहा है, उससे फिर वो इतने ग्लेशियर भी पिघल रहे। अच्छा अगर पिघल रहे तो हम टेंशन क्या, हम तो कह रहे हैं ग्लेशियर मेल्ट हो गए, तो समझो इस बात को ध्यान से, वो जो सर्कल बने हुए हैं वो उसी तरह रहने, हम पार्ट्स को मार्क किया हुआ है, इतना कितने है ना इतना, अब ये गली है सारी, एंड तक इसका और नाम है, बाहर जाएंगे उम्र साजे शहीद हो जाएगी, है गली सड़क रोड जो भी कह लो, जब रोड कहते हो तो इन जनरल है, नाम ले लोगे तो और बंदे, तो प्रॉपर जब बनाना होता है वो और है, जब जाति किसी का अपना नाम हो। और पूछो 21 सर, ये फ्रेंच लैंग्वेज और द फ्रेंच, ये तो मैंने कहा था कोई भी लैंग्वेज जो होती है ना उसके साथ जब दा लगाते हैं ठीक है, तो वो नेशन बन जाती है। मसलन इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, अंग्रेजों को द इंग्लिश कह सकते हैं, समझ आ रही है? यानी अंग्रेजी अंग्रेजों की जुबान है, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, क्लियर? इंग्लिश इज द लैंग्वेज, अगर मैं कहूं द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश ये गलत होगा, यानी द इंग्लिश और मैं द इंग्लिश इज डिफिकल्ट, क्या है? इंग्लिश इज डिफिकल्ट नॉट द इंग्लिश, द इंग्लिश का तो मतलब अंग्रेज लोगों की बात हो रही है, तो लैंग्वेज के साथ द लगाने से वो नेशन बन जाएगी। लेकिन जर्मन हिवाइंस अमेरिकन ए एन जिन पे खत्म होता है वो वाली जुबानी नहीं जी। और चलो नेक्स्ट, एक्सेप्शंस बेटा नहीं है असल में ना, कुछ चीजें हैं जिनको मैंने आपसे कहा कि जैसे यहां है ना, बस आप समझ लो ये हो तो आपने इनके साथ ही कर देना। ये देखिए कॉस्ट या ये चीजें कितनी इस्तेमाल होंगी, दरख्तों के नाम, ये जो नाम है मेरा ख्याल अगर आप पूरा यानी सीएसएस करेंगे तो शायद एक बार भी नहीं, या वैसे लाइफ में इनके यूसेज कम है, हम इनके डिटेल्स के ऊपर अपनी एनर्जी जाया करने से, जिनके ऊपर असल जो मतलब बीसियों बार आपने यूज करने हैं उनके स्ट्रक्चर के ऊपर हम अपना बहस करते हैं। मैंने आपसे कहा था लॉजिक के बगैर कोई चीज नहीं है, यकीन कीजिए नहीं ऐसा नहीं है, ये है तो नहीं, अब एक्सेप्शन बना लेते हैं, होती नहीं है, जहां समझ आनी बंद हो जाती है ये एक्सेप्शन है, बस ऐसा नहीं। और अब चलो नेक्स्ट, आइए जरा एरर्स के ऊपर, ये ना इसके अंदर अभी इसके थोड़े से एडवांस रूल्स हैं, एग्जाम्पल से एक रूल पढ़ लें फिर मैं आपको बता देता हूँ, लिखिए जरा ये एक्सरसाइज आपने करनी, मैं एक्सरसाइज कह रहा हूँ जो एरर्स वाली में से है, लेकिन मैं एडवांस रूल्स का थोड़ा सा फर्क आपको बता दूं। मसला लिखिए, मैं टाइम के साथ आपको दा का कंसेप्ट बताने लगा हूं, ठीक है? जी सलाम अलैकुम, अभी भी नहीं हुआ, मैं अभी करता हूं सर।
लिखे ही विल मीट मी नेक्स्ट वीक, ही विल मीट मी नेक्स्ट वीक और ही विल मीट मी इन द नेक्स्ट वीक. हाँ जी बोलिए, क्या फर्क है दोनों? जी बोलिए. ही विल मीट मी नेक्स्ट वीक और ही विल मीट मी इन द नेक्स्ट वीक. ठीक है, फर्क क्या दोनों? अब ध्यान से सुनिएगा, वीक का मतलब क्या होता है ये बताइए. सेवन डेज. अच्छा, एक साल में कितने वीक होते हैं? 52. अच्छा, वीक डे, वीक शुरू किससे होता है, किस दिन से होता है? मंडे से. मंडे से लेके संडे तक ये एक वीक है, फिर मंडे से लेके संडे तक एक वीक है, और इस तरह 52 वीक्स हों तो कितने दिन बने? 365. ठीक हो गया, यानी हमने 52 वीक्स बने हैं. अच्छा, आप मुझे बताइए, मैं आपसे कहता हूँ मैं आपको अगले वीक मिलूंगा, तो अगले वीक का मतलब कैलेंडर के ऊपर मंडे से लेके नेक्स्ट संडे तक है, यानी संडे के बाद जो मंडे है वहां से लेकर तब तक है. और वीक का मतलब सेवन डेज भी तो होता है, यानी आज फर्ज कीजिए क्या है, आज थर्सडे है, तो नेक्स्ट कह लीजिए वेनेसडे तक, ये भी तो सेवन डेज है ना. समझ आ रही बात? आज के दिन से नेक्स्ट वेनेसडे तक ये भी सेवन डेज है, इसको क्या कहेंगे? ये भी वीक है. पॉइंट समझ आ गए? नहीं समझ रही बात? याद रखना है अच्छी तरह से, जो कैलेंडर वीक होता है वो आर्टिकल के बगैर लगाना है. जब मैं कहता ना आई सी यू नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक मैं संडे वाले दिन भी कहूं तो कब मिलूंगा? अगले वीक. आज कह रहा हूं तब भी कब मिलूंगा? मंडे को. मान लीजिए ये बात मैंने ट्यूसडे को कही होती तो भी क्या इसका मतलब होना था? नेक्स्ट वीक, वो वीक का जो भी नंबर है, मतलब फर्ज कर लीजिए ये जो है वो थर्ड वीक है शायद इस मतलब मंथ का. तो जब मैं कह रहा हूं ही विल मीट मी और ही विल सी मी नेक्स्ट वीक, तो इसका मतलब थर्ड वीक ऑफ जनवरी, नेक्स्ट का ये मतलब है. और अगर मैं कहूं ही विल मीट मी द नेक्स्ट वीक, तो द नेक्स्ट का मतलब आज के दिन से लेकर अगले जो कह लीजिए सेवन डेज है, इनके दौरान वो मुझे मिलेगा. यानी सेवन डेज की बात हो रही है और जिस लम्हे में बोल रहा हूं तब से एग्जैक्ट आगे सेवन मुसलसल यानी स्ट्रेच डेज है. अभी समझ आ गया? कैलेंडर वीक और आम वीक में क्या फर्क है? कैलेंडर वीक कब शुरू होगा? कैलेंडर वीक होगा तो आर्टिकल दा नहीं लगाना, और वैसे सेवन डेज मुसलसल आपने कहने हैं. मसलन अब जुमेरात से लेकर अगली जो भी इसमें आप सेवन डेज ऐड कर दीजिए जिस दिन तक है, इनको मैंने कहना है. अब ये देखिए इसमें कैलेंडर वीक देखें तो दो वीक इन्वॉल्व हो गए, दूसरा भी और तीसरा भी, लेकिन कैलेंडर वीक की बात होगी तो दान ही लगेगा आज से. अच्छा, अब मुझे आप इसका फर्क इससे बताइए. ही मेट मी लास्ट ईयर और ही मेट मी द लास्ट ईयर, लास्ट ईयर या क्या एग्जैक्ट क्या द लास्ट ईयर का मतलब क्या है? आज से 365 डेज बैक. क्लियर? और लास्ट ईयर का मतलब 2018, वो 31 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी, इस दौरान कोई भी हो सकता है. ये पूरा जो है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूं. समझ आई बात? द लास्ट ईयर जो मैं कह रहा हूं
या द लास्ट ईयर, द लास्ट वीक, द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट डे, द लास्ट डे, जब द लगाते हैं तो इसका मतलब होता है उससे पहले जो दिन है, बिल्कुल प्रीवियस, एग्जैक्ट, बात समझ आ रही है। और अगर द नहीं लगा होता तो फिर जो कैलेंडर पर दिन होता है उसकी बात होती है। तो कैलेंडर वीक्स का पता है कि नहीं, कैलेंडर ईयर्स का पता है कि नहीं, कैलेंडर मंथ्स का पता है कि नहीं, मंथ मंथ में कितने दिन होते हैं, ठीक है, एवरेज। अब हम कैलेंडर मंथ्स की जब बात करते हैं, मैं कहता हूं यार वो अगले महीने आएगा, आज भी बात कर रहा हूं, अगले महीने से मुराद अगर फरवरी है तो वो यकम फरवरी से लेकर 28-29 जो भी वो फरवरी तक है। अब अगर आज के दिन से कह रहा हूं द नेक्स्ट मंथ, तो इसका मतलब यहां से लेकर अगले महीने 15-16-17-18 जो भी डेटा तब तक, इसमें क्या कंफ्यूजन क्या है? टाइम का मैंने आपको बता दिया, कैलेंडर की सेंस में होगा तो क्या लगाएंगे, दा नहीं लगाएंगे। और अगर कैलेंडर से हटकर जो लिटरल सेंस होती है 10 दिन 20 दिन, वो जो भी मतलब बनता है उसका, यानी मंथ का मतलब, महीने का मतलब हम 30 दिन ही लेते हैं, हफ्ते का मतलब हम 7 दिन ही लेते हैं, क्लियर। द नेक्स्ट 24 आवर्स का क्या मतलब है, और 24 आवर्स का मतलब क्या है, जो 12 बजे से अगले दिन, बस इतनी सी बात है। अब लास्ट का मतलब देखो, मैं आपको टाइम का बता रहा हूं और दा उसके साथ बता रहा हूं, लास्ट तो कोई भी गुजरी हुई चीज हो सकती है, नहीं समझ आ रही बात। मैंने आपको अभी किसका रूल बताया, लास्ट का बताया है, नेक्स्ट का बताया है, किसका बताया, या मैंने बताया टाइम के साथ दा लगता है कि नहीं लगता। तो टाइम के साथ चाहे अगला टाइम हो चाहे पिछला टाइम हो, कोई भी हो, दा लगेगा तो और मतलब, ना लगे तो और मतलब, ये बात समझ आ गई। अब आप पूछ रहे हैं लास्ट का क्या मतलब, तो लास्ट के कितने मतलब, वर्ल्ड वॉर टू लास्टेड फॉर 6 ईयर्स, बताओ लास्ट यहां पर क्या है, ये तो वर्ब है यहां पर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 6 साल रही, ही मेट मी लास्ट मोमेंट, तो जो आखिरी लम्हा है वो, या ही मेट मी द लास्ट मोमेंट, अब डिफाइन द लास्ट मोमेंट होगा, और लास्ट के साथ दा नहीं, मैं आपसे कह रहा, हाँ जी, टाइम के लिए आपने देखना है जी। चलो मेरी बात, वालेकुम सलाम, चलो अल्लाह का शुक्र हो गए, और मुबारक हो, जान छूट गई, चलो अब आओ फिर। क्यों पैसे मांग रहे थे? अच्छा चलो, अल्लाह चलो कोई नहीं, अल्लाह खैर, बस ठीक है, पाओ फिर करते हैं, ठीक है, अल्लाह हाफिज। चलो जी सर, नाइट के साथ डिनाइट नहीं लगता है, और डिनाइट फिर लगता है, ये क्यों, वो अभी याद आ गया। देखो बेटा, मैंने अपना एक चीज प्लीज ये जहन से ना निकालें, नाइट के साथ दा लगना है, नाइट के साथ, मैंने एक बार भी कहा है किसी लफ्ज के साथ ये लगाओ ना लगाओ, आप ना एक टाइप पढ़ रहे होते हैं, उस लॉजिक के साथ उसे पढ़ना है। अब मसलन फर्ज कीजिए, मैं कहता हूं ही मेट मी एट नाइट, ठीक है, कल मैंने बताया भी था ना, अब एट मोस्ट स्पेसिफिक टाइम होता है, एग्जैक्ट जो होता है टारगेट के ऊपर, समझ आ रही है। मान लीजिए जब मैं एट नाइट कहा ना, तो एट नाइट का मतलब मैं एग्जैक्ट 11 बजे कह रहा हूं, लेकिन जब मैं मॉर्निंग कहता हूं, आफ्टरनून कहता हूं, वो एक ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में किसी वक्त भी होना। अच्छा, क्या एट मॉर्निंग हो सकता है? इन मॉर्निंग, क्या एट मॉर्निंग, देखो एट मैं पूछ रहा हूं, एट मॉर्निंग हो सकता है कि एट डॉन होता है, जब डॉन, जब एग्जैक्ट हम बता देते हैं, जब सुबह पो फट रही होती है, ही मेट मी एट डॉन, डॉन का पता है कि नहीं, सुबह कासिम जिसे हम कहते हैं, कासिम का मतलब तो झूठी झूठी सुबह, यानी असल सुबह नहीं होती, सूरज जो है निकलने से पहले जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट नजर आ रही होती है, तो देखो उसके साथ हम ऐड लगा देते हैं, क्योंकि वो एक लम्हे के लिए, थोड़ी देर के लिए वो ऐसे है। तो बात को समझ रहे हैं कि जब हमने लिखना है, फर्ज कीजिए, अब मैं ये नहीं कह रहा कि नाइट के साथ दा नहीं लगना, मैं कहता हूं ही मेट मी द नाइट बिफोर सैटरडे, तो द नाइट कौन सी नाइट, बिफोर सैटरडे, सैटरडे से पहले जो थी ना उस दिन वो मुझे मिला था, तो स्पेसिफाई कर रहा हूं ना मैं किस नाइट, तो मैंने दा लिख दिया उसके साथ। तो मेरा बेटा चीजों को समझने की कोशिश करनी है,
टाइम के लिए चीजों, किसी को ये मत लिखे नाइट के साथ नहीं लगाते, इसके साथ हमेशा लगाएं, इसके साथ हमेशा उतारें, इसके साथ लगा के रखें, इसके साथ पकड़ के रखें, ये नहीं समझना है। लॉजिक ना क्लियर हो तो अप्लाई करना है यार, प्रेपोजिशन है, नाउन है, अच्छा ठीक है, आगे है, यहाँ कोई आप चीज किसी ना किसी लॉजिक के साथ है, मंतक के साथ है। तो दिल तो करता है कि एक एक चीज का मंतक पढ़ लें, लेकिन जहां मुझे लगता है कि यार इनका यूसेज आपकी प्रैक्टिकली कम होना है तो उसको मैं थोड़ा सा स्किप करके निकल जाता हूँ, वरना तो फिर आप बोर होना शुरू हो जाएंगे कुछ अरसे के बाद कि यार सर यानी हर बात की ना मिख निकाल दी। ये मुझे पता है ये बहुत बड़ी गलती होती है, लास्ट ईयर या दा लास्ट ईयर मीनिंग चेंज कर देते हैं, ये जरूरी है समझनी, वो मैंने आपको बता दिया। हालांकि अगर इसी को समझें, इसी की एग्जाम्पल्स बोर्ड पर लिखनी शुरू करें तो अच्छा खासा टाइम इसी पर लग जाए, लेकिन असल बात मैं आपकी स्किल्स को तेज करना चाहता हूँ, लिखो ना गलती ना हो। अब आपने ये बात अपने दिमाग में बिठानी है कि यार डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं ना वो सिंगुलर काउंट नाउन के साथ आते हैं, प्लूरल के साथ भी आते हैं, दा नहीं आता प्लूरल के साथ, मैनी नहीं आता, सेवरल नहीं आता, लेकिन सिंगुलर को हम उसके बगैर नहीं लिख सकते, प्लूरल को लिख सकते हैं डिटर्मिन किए बगैर। यानी आई हैव कार्स हो सकता है लेकिन आई हैव कार नहीं हो सकता, आई हैव ए कार, आई हैव माय कार, समझ आ रही बात? तो वो कुछ भी हो सकता है। डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव्स का फर्क सबको क्लियर हो गया हुआ है ना? क्या फर्क होता है? एडजेक्टिव क्या करते हैं? नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं और डिटर्मिनर्स उन्हें डिटर्मिन करते हैं, क्लियर? यानी हम इनको कह देते हैं ये भी एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन बहुत सारे ग्रामरियन नहीं मानते, इसलिए हम इसको अलग मानते हैं कि चलो यार डिटर्मिनर से नए लफ्ज हैं, इनका ताल्लुक भी नाउन के साथ है, एडजेक्टिव का ताल्लुक भी किसके साथ है? नाउन के साथ है। ठीक होगी बात? अभी ये एक्सरसाइज आपसे खत्म नहीं हुई होगी, अभी इसके ऊपर और एक दो दिन लगाइए, हम नेक्स्ट करते हैं, पढ़ते हैं और इसके ऊपर भी काम कीजिएगा, क्लियर? नेक्स्ट आइए। अच्छा वो आपने एरर्स वाली बुक में से कर ली, उसमें से हो गए वो तो आपको हलवा ही लगा होगा कि नहीं हुए वो? इसमें से जो मैंने कहा था इस बुक में से किए सारे नहीं हुए, ये कर लें, अगर इसमें कोई मसला होगा तो फिर पूछ लीजिएगा, कल इसे डिस्कस करेंगे, लाजमी कर लीजिएगा, डिस्कशन से आपने पिछली बार भी देखा काफी ज्यादा फायदा होता है। 24 पेज है, ठीक है? अब यहाँ लिखा हुआ इंग्लिश आर पेट्रियोटिक, बताइए क्या होगा? द इंग्लिश, और इज होगा क्या आर होगा? तब इंग्लिश, द इंग्लिश का मतलब इंग्लिश पीपल है, समझ आ रही है? इसी तरह पीपल एक लफ्ज है उसका मतलब नेशन भी होता है, चले वो पढ़ लेते, आगे आइए नेक्स्ट। अब बेटा एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स का आइडिया, अभी डिटर्मिनर्स खत्म नहीं हुए ना, एडजेक्टिव्स खत्म हुए ना, आर्टिकल्स खत्म हुए, ये छोटे छोटे सम, मैनी, अदर, एन अदर, द अदर, ये कराऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार इनको गो थ्रू कीजिए, फिर मैं आपको इसका फिनिशिंग लेक्चर दूंगा कि लोग पढ़ लिए ये मेन इसके याद रखने, ठीक है? कल अगर वो डिस्कस ना किया तो यही सारा करवाऊंगा, क्लियर? अब सुनिए नेक्स्ट हम क्या करने लगे हैं, हम करते हैं अब नाउन और प्रोनाउन, ठीक है? बहुत जरूरी है, आपने नाउन को बहुत सारा पढ़ा, नाउन के बारे में ढेर सारा जान लिया, देख लिया, सुन लिया, पढ़ते रहे हैं, वर्ब के साथ भी उसको देखा, प्रेपोजिशंस के अंदर भी बार बार आते हैं, मुख्तलिफ चीजों के साथ आते हैं। अब हम पढ़ते हैं नाउन्स और नाउन्स की टाइप्स और चीजें, ये आपने इनके साथ देखा है। मजे की बात होती है कि एडजेक्टिव्स जो होते हैं, डिटर्मिनर्स जो होते हैं, ये नाउन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब मैं जो नाउन बताऊंगा, समझाऊंगा, उनको समझिएगा, पहले नाउन की डेफिनेशन, प्रोनाउन की डेफिनेशन, और फिर उसके बाद इसके फीचर्स यानी इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, और एट्रीब्यूट्स के, ये सबसे लेंथी है नाउन। अगर आप बोर्ड पर भी लिखा हुआ देखिए तो इसका रिलेशनशिप दूसरे लफ्जों से देखें तो नाउन का रिलेशनशिप प्रोनाउन के साथ क्या है, एडजेक्टिव के साथ क्या है, वर्ब के साथ क्या है, प्रेपोजिशंस के साथ क्या है, कंजंक्शंस के साथ क्या है, डिटर्मिनर्स के साथ क्या है, इसका रिलेशनशिप बड़े के साथ है, बाकी सब का किसी का एक के साथ, दो के साथ, एक के साथ, दो के साथ, लेकिन ये बड़े कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं। ठीक हो गया, लिखिए नाउन क्या है। मुझे पता है ये जो नाउन हम पढ़ा, आर्टिकल पढ़ा या एडजेक्टिव हमने पढ़ा, ये लफ्ज हैं या असल में ये क्लासेस हैं? ये क्लास है, नाउन एक क्लास का नाम है, जो चीज ये काम करेगी, जो हम इसको अभी डिफाइन करेंगे इस क्लास को, उसको हम क्या कह देंगे, वो क्या है? बस ठीक हो गया। तो इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी, नेमिंग वर्ड, ए नेमिंग वर्ड। हर जगह कंफ्यूज होते हैं कि इधर इस
ठीक अभी भी कंफ्यूज हो रही है फर्ज करेंगे आप चले गौतम नेमिंग वर्ड समझ आ रहा है नेमिंग वर्ड तो आपने एक लम्हे के लिए सोचना वर्ड काउंट होता है और इसके इसको हमने डिटरमिन नहीं किया ये गलत है या द नेमिंग वर्ड हो हिज नेमिंग वर्ड हो माय नेमिंग वर्ड ए नेमिंग वर्ड कुछ ना कुछ लगना चाहिए अगर मैं उसको उसके बगैर लिख रहा हूं तो गलत है समझ आ रही है ये सबसे इंपॉर्टेंट कह लीजिए है गलती कि अगर आप लिखे ना एक सेकंड के लिए देखिए लिखिए आई हैव चेयर अब मुझे बताइए चेयर सिंगुलर काउंट नाउन है ना इसके साथ क्या आना चाहिए अब आप ए नहीं कहना आना चाहिए आपने कहना सर इसके साथ डिटर्मिनर आना चाहिए क्लियर अच्छा अब गलती है अब डिटर्मिनर कौन सा है ये आपको पता होगा हो सकता है आप कह रहे हो आई हैव दिस चेयर डिटर्मिनर हो गया आप कहते हैं आई हैव माय चेयर आप हो सकता है आई हैव वन चेयर जब मैं वन लिखूंगा दिस लिखूंगा माय लिखूंगा फिर कोई ए लिखूंगा साथ क्यों नहीं लिखूंगा भाई डिटर्मिन एक ही बार करनी है दो लफ्जों से नहीं डिटर्मिन करनी दो डिटर्मिनर इकट्ठे नहीं आ सकते अब लिखिए आई हैव ए चेयर लिख लिया अच्छा लिखिए आई हैव ए नाइस चेयर अब ये किसके लिए लगा है ठीक हो गया ये लगा चेयर के लिए ही है इसी को यू लिखिए माय चेयर इज नाइस माय चेयर इज नाइस कोई कंफ्यूजन अब नाइस के साथ ए क्यों नहीं लिखा वही एडजेक्टिव को डिटरमाइन नहीं करते नाउन को करते हैं इसके शुरू में हमने लिखा था ना चेयर तो देखिए वहां हमने लिख लिया भाई डिटरमाइन जरूर करना है उसको सिंगुलर काउंट नाउन को जिस मर्जी डिटरमिनर से करें वो आपको पता होगा अगर उसके बगैर लिख रहे हैं तो गलत लिखिए वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ अब वाटर सिंगुलर है प्लूरल है जी हाँ नॉन काउंट है लाइफ नॉन काउंट है इसको डिटरमिन करने की जरूरत नहीं इसका ये मतलब नहीं है कि डिटरमिन हो नहीं सकते ये नहीं समझे देखो ना मैं ए वाटर इज एसेंशियल फॉर ए लाइफ सर ने कहा था लाना है भाई वाटर काउंट ही नहीं होता लाइफ काउंट ही नहीं होती अब आप कहते हैं नहीं नहीं सर हमने पढ़ा था वाटर वाटर इन द बॉटल ठीक है फिर द वाटर अब मैंने इसको डिटरमिन कर लिया स्पेसिफाई कर लिया मैं लगा सकता हूं इनके साथ लेकिन कहां बगैर किसी वजह के जब सिंगुलर काउंट नाउन होंगे हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे इसका यह मतलब नहीं है कि जो नॉन काउंट है उनके साथ नहीं लगता तो लग नहीं सकता अब समझ आ गई बात तो ये मैं लिखूंगा इसके साथ ए वाटर लिखूंगा नहीं द वाटर लिखूंगा नहीं लाइफ नहीं लिखूंगा लेकिन लाइव्स ऑफ ग्रेट पीपल द लाइव्स ऑफ ग्रेट पीपल मुझे पता है मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं तो मैं द लिखूंगा उसके साथ क्लियर यस सर सुहेल परेशान लग रहे लग रहा है नींद आई हुई है सारी बातें ठीक है मुझे ये बात नहीं ठीक लग रही चलो लिखो नेक्स्ट लो बेटा नाउन पे आ गए नाउन की जल्दी से लिखिए टाइप्स ऑफ नाउन हमने जो पढ़ना है ना सबसे इंपॉर्टेंट इसका है केस जेंडर नंबर सब मजे की चीजें सबसे पहले टाइप्स लिखिए नंबर वन लिखिए प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दो मेन टाइप्स हैं इसकी प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन अब आप मुझे बताइए प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है शेयर्ड बाय वन तो शेयर तो करेंगे नहीं इसका मतलब क्या होगा एट्रीब्यूटेड टू ओनली वन वो शेयर नहीं ना करेंगे एक बंदा आपस में शेयर करेगा शेयर्ड बाय नॉट मैनी यू कह लीजिए शेयर्ड ही लिखना है तो शेयर्ड बाय नॉट मैनी कन्फाइंड टू वन जो एक बंदे तक ही महदूद हो पर्सनल कह लीजिए जाती किसी का नाम हो नाम जो नाम किसी भी चीज का अपना नाम उसके बाद कॉमन नाउन अच्छा ये जो प्रॉपर नाउन होता है ना इसकी छोटे छोटे एक दो और एट्रीब्यूट याद रखिए प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखते हैं
प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा क्या लिखेंगे, कैपिटल, जहां भी लिखें, सेंटेंस के शुरू में लिखें, एंड में लिखें, दरमियान में लिखें, जहां मर्जी लिखिए इसे लिखते हैं, ठीक हो गया, यानी इसका पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं। इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, इनकी प्लूरल नहीं बनती, प्लूरल बनाने के लिए जरूरी होता है उस तरह की बहुत सारी चीजें हो, जब एक ही बंदे का नाम होगा तो कैसे हम उसको प्लूरल बनाएंगे, है ही एक का, समझ आ रही है। अच्छा, उसके बाद इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, इसको हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, पहले से स्पेसिफाइड है, इसका मतलब जीरो आर्टिकल, इनके साथ ए एन और दा नहीं हमने लगाना, जैसे फर्ज कीजिए अहमद इज अ डॉक्टर, अहमद इज अ डॉक्टर, अब अहमद अंडरलाइन करके बताइए अहमद का क्या मतलब है भाई, ये नाम है, ठीक हो गया, नाम है तो इसका क्या मतलब हुआ, नाम होने का एक ही मतलब हुआ कि अहमद किसी का जाती नाम है, यानी मैं अहमद कहूं सारी क्लास के अंदर जो अहमद होगा वही बोलेगा, मुझे पता है आपके जहन में आ रहा है तीन अहमद हुए पांच, तो आपको सेंस आ गई हुई है, तो उस पर कंफ्यूज नहीं होना भाई, जब प्रॉपर कह रहे होते हैं तो वो हमारे पास केसेस कम है। अब यहां से छोटी सी बात देखिएगा, प्रॉपर किस सूरत में होते हैं, जब वो किसी जाती नाम के लिए एक शख्स के लिए इस्तेमाल होगा, मान लीजिए आप में से एक खालिद है, मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूं तो मैं कहता हूं कि यार खालिद को बुलाओ, बच्चा आ जाएगा खालिद को सर बुला रहे, खालिद उठ के चला जाएगा, अब खालिद दो में, अब मैं मतलब जो है ना बातें मैं कहता हूं यार आप खालिद को जानते हैं, डू यू नो खालिद, अब आप जवाब में कहते हैं सर कौन सा खालिद खालिद, अब जरा गौर कीजिए, मैं कहता हूं वो खालिद जो आपके साथ बैठा हुआ था, अब मुझे बताइए मैं उस खालिद को, अब वो जनरल रहा है या मैं उसको और स्पेसिफाई कर रहा हूं, मैं कहूंगा द खालिद हु वाज सिटिंग नेक्स्ट टू यू, समझ आ रही है, आपका जो दोस्त होता तो मैं कहता द फ्रेंड ऑफ यू, वो आपका जो दोस्त है योर फ्रेंड, खालिद के साथ ए भी लग सकता है, एन भी लग सकता है, दा भी लग सकता है, लेकिन जब मैं ये कहता हूं द खालिद सिटिंग नेक्स्ट टू यू, वो आपके साथ जो बैठा हुआ था, क्लियर, इसका मतलब है देयर वाज सम अदर खालिद टू, समझ आ रही है, मैं कहता हूं यार खालिद को बुलाओ, कौन सा खालिद यार, वो जो दीवार के साथ बैठा हुआ है, तो इसका मतलब मैं अगर इसको कहना चाहूंगा तो मैं कहूंगा कॉल द खालिद हु इज सिटिंग बाय द वॉल, द खालिद का मतलब है कि इसका मतलब है देयर आर मोर देन वन पर्सन नेम्ड खालिद देयर Where I am calling this person. ऐसा समझ आ रही है बात? तो मैंने उसके लिए दा लिख दिया, क्लियर। अच्छा, अगर मुझे मैं उसे नहीं जानता तो मैं उसको ए खालिद भी कह सकता हूं, कोई खालिद आया यार, ए खालिद केम टू सी यू, अब खालिद उसने नाम बता दिया, उसका प्रॉपर नाउन है, अब आप कहते हैं जी खालिद आया है, तो इसका मतलब आपको भी पता है, सुनने वाले को भी पता है, अब आपको नहीं पता, सुनने वाले को हो सकता है पता हो, आपको ना पता होने का मतलब यू डू नॉट आइडेंटिफाई दैट मैन, तो आप कहते हैं जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा सर्टन मिस्टर खालिद केम टू सी यू दैट, अब मुझे खालिद साहब आए, कोई खालिद साहब, ए खालिद, तो ए खालिद से मतलब क्या है, वन पर्सन नेम्ड खालिद केम टू सी यू, समझ आ रही है, अदरवाइज हम नहीं कहते, अब खालिद का जाती नाम है तो मैं कहता हूं खालिद इज द बॉय, ए खालिद इज द बॉय गलत हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करेगा, ए लगे, दा लगे, क्या लगे, जनरली इनके साथ नहीं लगता, ये जो मैं बता रहा हूं दा खालिद आएगा ए आएगा, ये बड़ा रेयर होता है, यानी आप देखिए आपकी क्लास के अंदर हम नाम कभी मतलब दो फैसले तबाक से हैं, हो सकता है दो तीन हो सकते हैं, लेकिन सारे नाम तो ज्यादा नहीं ना होते, और अक्सर ऐसे होता है नाम नहीं मिलते होते, कहीं ना कहीं फर्क आ जाता है, कोई फैसल हबीब है, कोई फैसल बशीर है, तो हम फैसल हबीब और बशीर कह के फर्क कर लेंगे, लेकिन फैसल ही मैंने करना हो तो मैं कहूंगा द फैसल विजनिंग स्पेक्टिकल्स, इसका मतलब फैसल में से कौन सा फैसल जिस रखने के लगाई हुई है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन, तो प्रॉपर नाउन जो किसी शख्स का अपना जाती नाम होता है, पर्सनल होता है, पहला लेटर कैपिटल आता है, इससे हम जितने भी इसके साथ ए लगाएं, दा लगाएं, कुछ भी लगाएं, पहला लेटर कैपिटल रहना है इसका, कभी पहला लेटर स्मॉल नहीं लिखते, वो लिखना गलत है, जहां भी लिखेंगे गलत हो जाए, क्लियर, वो कभी नहीं होती, इससे आप कोई लफ्ज बना लें, प्लेटो से प्लेटोनिक बनाना है आपने, अगर तो वो प्लेटो से बनाया है और प्लेटो को रेफर करते हैं तो वो स्मॉल नहीं करना, समझ आ रही है, फर्ज कीजिए आप मार्थस नाम, आपको पता है इकोनॉमिस्ट का,
आप वहां से कहते हैं कि माल्थुसियन ट्रैप है, इकोनॉमिक्स वालों को पता होगा। अब माल्थुसियन ट्रैप में कह रहा हूं तो माल्थुसियन माल्थस से बना हुआ है तो एम कैपिटल ही रहेगा, यानी इससे जो इजिप्ट बनाओ, इससे जो भी चीज बनाओ, पहला लेटर उनका क्या रहेगा, याद रहेगी ये बात। नेक्स्ट, ट्रैप का डी बड़ा नहीं आएगा? नहीं, उसको मैं उस सूरत में करूंगा जब ट्रैप नाम होगा उसका, यानी फर्ज करें ये एक फिनोमिनन का नाम है, बात समझ आ रही है, पूरा फिनोमिनन है माल्थसियन ट्रैप ऑफ वेल्थ, मिसाल के तौर पर पॉपुलेशन, तो वो जो है ना वो रिसोर्सेस, फिर मैं उसके लिए बना, अगर पूरा टाइटल हेड बनाकर मैं लिखना हूं, मैं बेसिकली मैंने प्रॉपर क्या किया है, अच्छा मैंने ट्रैप का है, मैं ऐसे भी कह सकता हूं माल्थुसियन फिलॉसफी, तो क्या मैं फिलॉसफी का भी पी कैपिटल लिख दूं? नहीं, अगर मैं माल्थुसियन फिलॉसफी का पी कैपिटल लिखूं या ट्रैप टी लिखूं तो इसका मतलब ये पूरी एक टर्म है, इसकी एक डेफिनेशन है, बात समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा माल्थुसियन व्यूज के अगेंस्ट, तो माल्थुसियन व्यूज भी कैपिटल आएगा, स्मॉल आएगा, स्मॉल आएगा, अगर मैं माल्थुसियन व्यूज तो इसका मतलब ये किसी थ्योरी का टर्म का नाम है, इसलिए उसके साथ फिर ये लिखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, बेटा नाम किसी का, शहर का नाम हो, मुल्क का नाम हो, चीजों का नाम हो, जाती नाम होना चाहिए, सिटी का तो मतलब कोई भी सिटी, लेकिन सिटी अगर फर्ज कीजिए सिटी भलवाल है, सिटी लाहौर है, सिटी कोई और है, सिटी का नाम आएगा तो पहला लेटर कैपिटल। और ट्रीट ये प्रॉपर नाउन इस क्लास, यानी क्लास के अंदर जो सब क्लास बनी है इसके अपने फीचर्स हैं, क्योंकि प्रॉपर नाउन को आपने हमेशा ऐसे ट्रीट करना है। अब आप जब दाल लगाते हैं यही रहते हैं, तो देखिए वो प्रॉपर ही नहीं रहता, वो कॉमन हो गया होता है, शेयर्ड बाई मैनी उसको कॉमन कहते हैं, जब दो फैसल हो गए तो अब प्रॉपर तो ना रहा, लेकिन ये कॉमन बना तो प्रॉपर से ही है, इसलिए पहला लेटर कैपिटल रहने देते। मेरा ख्याल मेरी बात समझ गए? मैं ये भी कह सकता हूं द बॉय सिटिंग टू बाय द वॉल, फैसल सिटिंग बाय द वॉल, नहीं फैसल सिटिंग बाय द वॉल ये गलत है, द फैसल सिटिंग बाय द वॉल, क्योंकि बाय सिटिंग बाय द वॉल डिफाइन कर रहा है फैसल को, फैसल डिफाइन हो रहा है तो उसके साथ द आना चाहिए, क्योंकि फैसल पहले ही डिफाइंड है। अब ये जो डिफाइन कर रहा हूं तो आइडेंटिफाई कर रहा हूं मैं इसे, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हम दा लगाते हैं, पढ़ाया हमने जिन नाउन्स को आइडेंटिफाई करना हो मुख्तलिफ चीजों में से, तो पहचानना है कि नहीं, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या लगाएंगे, दा। नेक्स्ट कॉमन नाउन, अच्छा वो जो आपने पढ़ा उसका सिंगुलर प्लूरल भी नहीं होता, प्रॉपर नाउन का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, चूंकि वो है ही एक का, ज्यादा शेयर ही नहीं करते तो प्लूरल होगा उसका कुछ, लेकिन बात फिर वहीं आ गई, अगर फर्ज कीजिए दो फैसल हैं तो मैं क्या कहूं देयर आर टू फैसल इन माय क्लास या फैसल्स इन माय क्लास, और बगैर एपोस्ट्रोफी के ऐसे लिखना है। अब ये प्लूरल बन गया, और प्लूरल किसका बना, प्रॉपर का, असल में ये अब प्रॉपर है या कॉमन है, कॉमन है, कॉमन क्यों है, क्योंकि शेयर्ड बाई मैनी हो गया, इस वजह से इट इज नॉट कन्फाइंड टू वन ओनली। क्लियर? चलो बेटा नेक्स्ट, अब नेक्स्ट लिखते हैं कॉमन नाउन पे आ जाइए, कॉमन होता है शेयर्ड बाय मैन, यानी ये वो है जो मैं कहूं बॉय, ठीक है मैं कहूं बॉय तो ठीक बॉय आप लिख लेंगे, आप सारे हैं, मैन सारे हैं, स्टूडेंट सारे हैं, जो सारी शेयर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का पहला लेटर स्मॉल होता है, कॉमन नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होता है, कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल ए एन और का इस्तेमाल होता है, कैसे होता है वो आपने काफी सारा पढ़ लिया, कॉमन नाउन के साथ ए एन और दा आता है, देखो आर्टिकल यानी डिटरमिन करते हैं, डिटरमिन जब भी करना होता है किसे करते हैं, कॉमन नाउन को, कॉमन नाउन डिटरमिन होता है, डिटरमिन करने के लिए डिटरमिनर्स में से आर्टिकल भी लग सकते हैं, क्वांटिफायर भी लग सकते हैं, सारा कुछ लग सकता है, लेकिन हमेशा वो लगेंगे किसके साथ, क्लियर? ऑल बॉयज आर हैप्पी, ऑल क्या है, क्वांटिफायर है ना, तो असल में क्या है, डिटरमिनर, डिटरमिनर में क्या है, क्वांटिफायर, ठीक हो गया। अच्छा ऑल बॉयज हु केम लेट
वर पनिश्ड, ये सही है कि गलत है? अब भाव क्यों लगा रहे हैं? अब हम द बॉयज यानी वो सारे जो बॉयज थे ना, उन सारों में से उनकी बात कर रहे हैं जो देर से आए हैं, तो मुझे लिखना पड़ेगा ऐसे। क्लियर है? नेक्स्ट। ये ना ऑल और होल का एक फर्क जरा समझिएगा, क्या फर्क होता है बताइएगा। पढ़ा है मुझे पता है आपने पढ़ा है, पढ़िए जरा। थोड़ा आइडिया दीजिए। तो सर उस टाइम जो आपने एडजेक्टिव में समझाया था कि द ऑल आएगा टू ऑल द वीक, ठीक है, संडे टू मंडे, द होल इस दिन से लेकर नेक्स्ट डे, सुबह सर होल ना अनकाउंटेबल के लिए और ऑल ना काउंटेबल, ऑल काउंट के लिए, होल नॉन काउंट के लिए। अच्छा एक चीज ना ध्यान में रखिए, मैं कहता हूँ यार उसने ना सारा केक खा लिया, ठीक है, ये जहन में रखना, एक चीज है और सारी खा ली है तो होल। फर्ज करो केक वहां 10 पड़े हुए हैं, अब मैं केक काउंट नहीं कर रहा, मैं वैसे ही सारा केक खा गया हूं, जितना केक वहां पड़ा हुआ था सब खा गया हूं। जब मैं ऑल कहता हूं ना, याद रखना ऑल एक केक नहीं है, एक से ज्यादा केक पड़े हुए हैं और वो सारा केक खा गया। मैं केक्स भी कह सकता हूं सारे केक खा गए, वो कहते नहीं है सारा जो है वो केक खा गया, वो सारा केक इसका एक्चुअल मतलब वहां 2, 4, 5 जितने पड़े हुए लपेट गए सारे। हाँ सब ना किया। अच्छा नेक्स्ट बेटा, ये पॉइंट मेरा समझ आया, मैं मुझे बताइए मैं जो कहना चाह रहा हूं, द होल बिस्किट का क्या मतलब होगा? एक बिस्किट सारा, और ऑल द बिस्किट का मतलब होगा काफी सारे बिस्किट सारे लेवल हो गए। अब समझ आई बात? यानी ऑल और होल क्वांटिफाइज है ना, तो क्वांटिटी में याद रखना है एक चीज, भाई इतना तरबूज है सारे ही एक तरबूज खा गया तो द होल मेलन आप कह देंगे, लेकिन अगर मैं कहूंगा ऑल द मेलन तो एक नहीं है, फिर इसके साथ इतने इतने जितने भी है। ऑल मैं तब यूज करता हूं व्हेन द क्वांटिटी इज मोर इन नंबर एंड इट इज डिफरेंशिएटेड लैदा लैदा, होल एक ही के सारे के लिए लगाते हैं, याद रहेगी ये बात। नेक्स्ट वापस आ जाइए उसके ऊपर अपने कॉमन नाउन पे। अच्छा कॉमन नाउन का और आइडिया समझ आ गया, इसका सिंगुलर भी होगा प्लूरल भी होगा, इनके साथ डिटर्मिनर जरूर लगेगा, डिटर्मिन हमने इन्हें जरूर करना है। देखो जब प्रॉपर नाउन था, सुनो बेटा, जब प्रॉपर नाउन था तो प्रॉपर नाउन को जब हम कहते हैं दो हो गए तो एक्चुअली उसमें कौन सी प्रॉपर्टी पैदा हो जाती है? कॉमन हो गया, शेयर्ड बाय मैनी। तो जैसे ही कोई चीज कॉमन होगी तो उस पर कॉमन प्रॉपर्टी वाले सारे रूल्स अप्लाई हो जाएंगे, सिंगुलर भी होगा प्लूरल भी होगा, ए भी लगेगा एन भी लगेगा दा भी लगेगा। मेरे ख्याल मेरी बात समझ क्लियर? कॉमन नाउन की फिर सब टाइप्स है, लिखिए कौन कौन सी, उनमें से एक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मटीरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक हो गया। कलेक्टिव नाउन कोई उलझन? ठीक हो। अब पहले भी देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन पता है ना कौन से होते हैं, विच कैन नॉट बी परसीव थ्रू फाइव सेंसेस, वो आपकी फीलिंग्स, आपके कह लीजिए कि क्वालिटीज आपकी, वो आपके कह लीजिए कि कोई भी मतलब ऐसा लफ्ज होगा जो है, होगा नेमिंग वर्ड ही, लेकिन आपके किसी एहसास का, किसी कैफियत का, किसी चीज का भी नाम नहीं होगा। चलिए जी, शुगर और टी कौन सा नाउन होगा बताइए? टी से क्या बनता है? अब देखिए टी, सुनो बेटा, हाँ जी, अगर कप ऑफ टी है फिर चलिए
ही गेव मी टी, इसका क्या मतलब है? ये देखिए कह रहे एक कप चाय, याद रखना है जब चाय पकी हुई है और है वो टी नहीं, वो कप ऑफ टी, मग ऑफ टी, उसके साथ वो लगाना पड़ेगा, ये हम इसी में पढ़ेंगे। यानी नाउन्स को जब हमने कहना है ना तो इसी से हम ये बनाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि ही गेव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, नहीं, वो जिस पे पानी पीते हैं उस कंटेनर को, उस बर्तन को टम्बलर कहते हैं। हमें नहीं पता, हम ग्लास शीशे की वजह से आ गए, हमने नाम ही रख दिया ग्लास, यार ग्लास पकड़ाई तो आप स्टील पकड़ा देते हैं, ग्लास पकड़ाई प्लास्टिक पकड़ा देते हैं, हालांकि ग्लास तो शीशा है। तो ग्लास बेसिकली जब वो ग्लास का बना हुआ टम्बलर आया तो हमने उसे ग्लास टम्बलर की बजाय ग्लास ही कहना शुरू कर दिया, वो मशहूर हो गया। उससे हमें नहीं समझ आई, हमारी तसल्ली नहीं हुई, हमने छोटे ग्लासों को ग्लासियां कहना शुरू कर दिया। ग्लास तो इंग्लिश का वर्ड है, कहां से आ गए एडिच ग्लासी, मतलब समझ आ गए। तो वो हम अपने उसी से बना लेते हैं, ज्यादा बड़े हो गए तो ग्लासे, मतलब जो मर्जी अपने बना लीजिए। अब खैर भाई टम्बलर से आप बना सकते थे टम्बलरियां, ये डिमिनुटिव्स होते हैं, नहीं बनाते इस, इसके अंदर ये बातें सारी अब इसमें पढ़नी नाउन के अंदर। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन यार इसको ना ऐसे करो, यहीं रोक लो, कल सारा नाउन खत्म करेंगे, खत्म तो इसने होना कोई नहीं। मुझे को फोन 5-7 आए हुए हैं, मेरा ध्यान फिर उधर चला जाता है, यार कॉल ही ना आए, तो आधा घंटा आज दे दीजिए, कल जो है ना नाउन खत्म करके भेजूंगा, वरना हफ्ते को आना पड़ेगा आपको। अगर आप कल नाउन खत्म कर लें, हफ्ता एंजॉय कर लें। नाउन इतना लेंथी है, इतना लेंथी है कि अगर आप टाइम पे आ जाए ना, अगर 6 बजे तो 9:15 बजे तक हो जाएंगे आप लोग ताकि। और ये यार अगर कल नाउन सुने, इधर नाउन खत्म कर लेना तो उसकी असाइनमेंट इतनी मिल जानी है कि आपने खुद कहना सर को 2 दिन दे दें, आर्टिकल भी हमारे पास है, ये क्लास होगी होती पहले, वैसे ही 5:30 मगरिब होती है, बस आप टाइम पे आ जाए, ठीक है। सुनो कल बेटा आप सुन लो, कल नाउन में सारा खत्म कर दूंगा, सुनिए इधर, नाउन में है क्या क्या तो पाए ना। नाउन इंपॉर्टेंट कितना है, ये लेंथी भी सब में से है। पॉइंट नंबर 1, नाउन हर लफ्ज से इसका रिलेशन है, नाउन की टाइप्स, नाउन के यानी कह लीजिए इस क्लास के जो फंक्शंस हैं, फिर नाउन के फंक्शंस, इसके केसेस, इसके यूनिट्स, इसके यूनिट से अच्छे खासे लेंथी है कि इनको हम जैसे अभी कहते क्लास भर के, यार चलो कोई नहीं अम्मी चाय बनाने लेंगे, अम्मी ने कहा हाँ जी, अम्मी जी चीनी पुत्र 2 चम्मच पा दे, अब वो चम्मच ही हर बंदे का अपना अपना, तो चम्मच होते हैं समझ गए, चम्मच कोई स्टैंडर्ड यूनिट है, तो 2 चम्मच कौन से वाले 2 चम्मच, घर में चावल पकाते हैं 2 गिलास पका लो, 3 गिलास आप वो गिलास निकाले, वो पुरानी अम्मियों को जो मिलते थे इतने इतने वो ले, वो 2 गिलास आ गए हैं 7.5 किलो चावल और 1 गिलास आपने मेहमानों के लिए रखे होते हैं, जिसमें बर्फ डाल दें तो बोतल डालने की गुंजाइश खत्म हो जाती है, फिर आप थोड़ी सी बोतल स्प्रे करते हैं और फिर बर्फ मेल्ट होने का मेहमान इंतजार करता है, शर्मिंदा होता दोबारा मांगता भी नहीं। फिर कई गिलास आपके ऐसे होते हैं उनके मुंह यानी नीचे थोड़े बहुत बने, ऊपर से मुंह इतने छोटे होते हैं, मुंह से लगाए ना बंदा समझ नहीं आता पीना है क्यों डेलना है। अब आप हैरान होते हैं हमारे यहाँ पर ये गिलास आते क्यों है, बेसिकली वो वाइन गिलास होते हैं, तो जो शराब पीनी होती है ना तो उसको वो ज्यादा चीर करने के लिए ऐसे करते हैं, तो वो वाकई इसलिए होते हैं कि पिए ना जाए मुंह से, आप उंडेले हमने मेहमानों के आगे रखे होते हैं लफड़, अब बंदा मेहमान भी बेचारा मेरे जैसा तो बड़ा शर्मिंदा होता तो जानने वाले हो तो मैं कहता भाजी किसी खुले बर्तन च पा दो, मेरे पास समझ आ रही है। अब वो मतलब ये आप खैर इन चीजों को नोट ही नहीं करते होंगे, बोतल होनी चाहिए उस तरह पाइप लगाओ तो बस ठीक है, तो वो तो ऐसे ऐसे फनकार लोग देखे, अम्मियों ने घर में ना पतीली में दूध सारा उबाला होता है, मलाई आई होती है, मलाई खाते पकड़े जाते थे, पाइप लगाया वो बोतल वाला सकड़ा साइड पे, दूध पी गए, अम्मी परेशान मलाई भी होती है समझ आ रही है, मलाई टूट जाए तो पकड़े जाएंगे, मलाई भी नहीं टूटी होती, तो फनकारियां साहब की अपनी अपनी है। जी जी फैसल सर, एक टिप सीखने को मिल गया ये वाला, आज तक पता ही नहीं, इंशाल्लाह इसी बहाने कुछ तो सीखा। जब कभी क्लास सब्जेक्ट में बता दूं तो आपने कब रखने किसे बोल रहे हो? हाँ यार एक चीज है, सब्जेक्ट्स के लिहाज से जरा देख लें, अभी आप लोगों ने पता नहीं सिलेक्ट किए हैं कि नहीं, मैं मतलब अभी 1-2 दिन और वेट कर लें, कल मुझे पढ़ा लेने दें, ठीक है, तो मैं आपको देखो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आप क्या सब्जेक्ट रखो, सुनो बेटा ध्यान से,
यकीन कीजिए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आप क्या सब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, दूर दूर तक मेरा इससे कोई इंटरेस्ट नहीं। आप अगर मुझे कहेंगे, पूछेंगे या जानना चाहते हैं तो मैं ईमानदारी से आपको ये बता दूंगा कि आप सबके इंडिविजुअल टेस्ट हैं तो आपको कैसे सोच के रखने चाहिए और अपने दिमाग की कौन सी खिड़कियां खोलनी चाहिए। ये मार्केट सारी ठगों चोरों की भरी पड़ी है, हर बंदा अपने मतलब के लिए जो ना घेरेगा, जिसका जहां इंटरेस्ट लगता है चल पकड़ कर देख। तेन मैं जो कह रहे हैं, मैं कह रहे हैं ना, मैम कुछ नहीं है वो मैं आपको चीजें बता दूंगा। फिर ट्यूशन जिसने पढ़नी हो, किसी ट्यूशन में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, ना हम किसी टीचर से कमीशन खाते हैं, हराम है, ना किसी टीचर से कोई और। आपको जो अगर मैं को बंदा रिकमेंड करूंगा वो अपने सब्जेक्ट का यखता होगा। तो मुंह उठा के ऐसे ना कीजिएगा ऐ बस इन्होंने कहा 5,000 तेरे सारा CSS हो जाना। कोई आपका वक्त सबसे ज्यादा कीमती है, समझ गए, कि भाई आपको लगा के बाद में पता चले यार हासिल वसूल भी कुछ नहीं हुआ, पैसे बचा लिए, वक्त जाया हो गया, खैर है, ये नहीं सोचना। बता दूंगा जो सब्जेक्ट आप रखो, जो भी रखो मुझे बताना, मेरे जहन में कोई होगा बता दूंगा, तरीका भी समझा दूंगा जो मुझे सेंस है। किंग मेकर्स आर नॉट किंग्स, ये मत सोचिएगा कि सर मतलब वो देखें फिर आप CSS सर फिर आपने क्यों नहीं किया, फलाने ने नहीं किया। फिर वही बात आ गई कि ये बातें जहन में इसलिए बैठ गई कि मार्केट के अंदर जो कुछ CSS करते हैं, मैं आपसे कहता हूँ ना कि लानत है ऐसे CSS पे जो आप करने के बाद फिर पढ़ा ही रहे हो। इसका मतलब CSS करके टीचर बनना है, किसी का ये एम है सर मैं बड़ा होके ना CSS करूंगा फिर टीचर बनूं, है कोई? तो होता क्या है, चूंकि वो आपके ड्रीम्स कैश कराते हैं तो फिर बड़ा दिल करता है यार मैं ना, मतलब वो पैसे आ रहे होते हैं, इजी मनी होती है, एज इस तरह की होती है। आप सोचते हैं जेड़े मेरे लगे ना मैं तो इकट्ठे कराना, चल वो फिर चस्का पड़ जाता है। चस्का क्यों पड़ जाता है, ऐसे बच्चे सर 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 गुरु जी मुर्शिद पा यार आप मतलब पैसे लेके हम पढ़ाते हैं, किस चीज के मुर्शिद, नजराने लेने और मुर्शिद है, मुर्शिद तो है जो आपकी मतलब कह लीजिए कि रूहानी तथहीर करें, प्योरीफाई करें आप। तो ये कुछ नहीं यार, जहां कमर्शियल रिलेशनशिप हो ये पीरी मुरीदी कोई नहीं, सिर्फ ड्रामे ड्रूमे हैं, किसी को और तरह से फ्रैंक कर लो, किसी को और तरह से कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज एक बार आपको पूरा समझा बता दूंगा, बाकी जो दिल करे जाहिर पता आजाद है जो भी कहूंगा, लेकिन इंशाल्लाह उन बातों के बाद जल्दी किसी ठग के हाथ नहीं चढ़ेंगे। यानी आप जब क्वेश्चन उनसे करेंगे तो वो फिर आप कहेंगे यार सर सही कह रहे थे। और आपका CSS है, आपकी जंग है, आपके अलावा कोई बंदा भी आप में इसकी हेल्प नहीं कर सकता, पढ़ना आपने खुद ही है। ये स्मार्ट स्टडी धुक्का बस तू ये कर ली, तुझे मैं कुछ बताऊंगा, एक बुक है इजी रहे तुम दसाऊंगा किसे नहीं बताया, पता नहीं कहां से ये चोरों ने चीजें निकाली हुई। बेटा ये इसके ऊपर मैं आपको कल पढ़ा लूं, फिर सैटरडे संडे को आपको बुला लूंगा, आ जाइएगा जो इंटरेस्टेड हो, क्योंकि सर ये पता है हमारी क्लास का हिस्सा तो नहीं है, तो जो बताऊंगा ना बस समझ लीजिएगा कि मेरा अपना बच्चा पेपर दे रहा हो ना, तो मैं उससे वही बातें करूँ। बाकी आप जो दिल करेगा कीजिएगा, समुंदर बड़ा है जहाँ दिल करिए भूमि।